हरियाणा के भिवानी के तालू गांव में रहने वाले 23 साल के पवन पंघाल ने इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि वो सेना में नहीं जा पाया। पवन ने मेडिकल से लेकर फिटनेस तक के सारे टेस्ट पास कर लिए थे, लेकिन कोरोना महामारी के चलते सेना की भर्ती रुकी हुई थी। जब शुरू हुई तो उसकी एज लिमिट खत्म हो चुकी थी। पवन ने 15 साल की उम्र से ही सेना में भर्ती होने की तैयारी शुरू कर दी थी। ऐसे कई युवा हैं जो सेना में भर्ती न हो पाने के कारण देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए जानते हैं कि क्यों देश भर में युवा इस तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर भारतीय सेना में कितने जवान हैं? 16 मार्च को रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति की रिपोर्ट संसद में पेश हुई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि 1 मार्च 2022 तक सेना में 12,12,000 जवान मौजूद हैं और अभी भी 81,000 जवानों की कमी है। अब जानते हैं कि सेना में जवानों की भर्ती कैसे होती है। जवानों की भर्ती के लिए सेना रैलियों का आयोजन करती है। रैली के बाद युवाओं का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। 2020-21 में 97 रैलियों की जगह 47 रैलियां ही हुईं। सिर्फ 4 के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ। 2021-22 में 47 रैलियों की जगह महज 4 रैलियां हुईं। इस दौरान एक भी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नहीं हुआ। बीते 7 साल में सेना में हर साल औसतन 60,000 भर्तियां हुईं। 2019-20 में सबसे ज्यादा 80,000 जवानों की भर्ती हुई। 2014-15 में सबसे कम 32,000 जवान सेना में शामिल हुए। सरकार सेना भर्ती प्रक्रिया की तमाम बाधाओं के लिए कोरोना का हवाला दे रही है, लेकिन युवाओं का कहना है कि इस दौरान देश में बाकी सारी गतिविधियां तो चल रही हैं, फिर हमारे साथ ये अन्याय क्यों? सरकार के कानों तक युवाओं की गुहार कब पहुंचेगी और सेना अपने जवानों की समस्या का हल कैसे करती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सभी यही चाहेंगे कि फिर कोई पवन आत्महत्या जैसा कदम न उठाए। इस वीडियो पर आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आज तक।